रावण को मारा। इसमें हम देखते हैं कि राम इसके साथ में चिन्ह जुड़ा है ने, रावण के साथ चिन्ह जुड़ा है को। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि राम कौन है। हमने देखा चिन्ह कर्ता ने अर्थात राम ने अर्थात राम कर्ता है। चूंकि राम अकेला है इसलिए एक वचन हुआ, कर्ता है इसलिए प्रथमा विभक्ति हुई, और पुरुष है इसलिए पुरलिंग हुआ। राम शब्द का अंतिम वर्ण अ है इसलिए अकारांत हुआ। अतः हमें राम शब्द अकारांत पुरलिंग के प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक का एक वचन का रूप लेना है। हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामह शब्द मिलता है, रामह रूप चलता है, रामह रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाय रामेण रामाभ्याम रामाभि। दूसरा शब्द है रावण को। रावण चूंकि इसके भी अंत में अ है इसलिए अकारांत हुआ, यह भी पुरुषवाची है इसलिए पुरलिंग हुआ, यह भी अकेले है इसलिए यह भी एक वचन हुआ। चूंकि को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में चिन्ह आया है को, इसका मतलब हुआ ये द्वितीय विभक्ति होगा। तो रावण शब्द अर्थात अकारांत पुरलिंग द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रावण शब्द का रूप रावणम होता है। अब ये बिंदी को भी हम लगाने का तरीका बाद में जब संधि वाले खंड में आएंगे तो बताएंगे। यहां पर बिंदी नहीं रहेगा, यहां पर माँ में हलंत लिखेंगे। रावण इस तरह से हम देखते हैं कि प्रातिपदिक शब्दों का रूप जानना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा तीसरा शब्द है मारा। ये मार धातु है, मूल शब्द इसका मार है, मार या मृ, मृ धातु है और मृ का मारना क्रिया जिसके अंत में ना आए हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, लेना देना, सोना उठना बैठना, चलना फिरना, रोना धोना, गाना पढ़ना पढ़ाना, करना कराना, सोना सुलाना, जगना जगाना, जिसके अंत में ना हो वो क्रिया है। तो मारना भी क्रिया है। क्रिया के लिए उसको ये धातु को जानना पड़ता है कि वो कौन सी धातु है। जैसे हम इसमें मारा जो शब्द है इसमें देख रहे हैं मृ धातु या मार धातु, और उसका फिर धातु रूप जानेंगे। उसमें भी कर्ता के रूप लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही क्रिया भी होता है। क्योंकि कर्ता अन्य पुरुष है, राम मैं नहीं हूं, राम तुम नहीं हो, राम कोई और है इसलिए अन्य पुरुष हुआ। अकेले है इसलिए एक वचन होगा। क्योंकि मारना मारने की क्रिया अभी नहीं हो रही है,
आगे होने वाली नहीं है अर्थात हो चुका है, इसलिए भूतकाल। तो हमें मार धातु के भूतकाल का रूप जानना है। धातु रूप में यदि हम आएंगे तो हन शब्द होगा मारने के लिए, हनन करना, हनना, हन धातु होता है तो अहनत हो जाता। और लेकिन हम यदि इसको मार शब्द से ही बना दे तो अमारयत रूप बन जाएगा। अमारयत तमेहल राम रावणम अमारयत, राम ने रावण को मारा, सिद्ध हुआ। यदि हमें हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना है, हमने दोनों रूपों को देखा, पहले ऊपर में हिंदी और नीचे में संस्कृत, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाए, प्रातिपदिक इसमें पहले शब्द को कर्ता, कर्म और क्रिया तीन भागों में बांटते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता जिस विभक्ति जिस वचन में और जिस पुरुष में होगा क्रिया उसी के अनुसार होगी, कर्म का क्रिया से सीधे संबंध नहीं होता। कारक क्या है, कारक के बारे में हम अलग प्रकरण में देखेंगे, क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। चूंकि क्रिया मारना है, इसका संबंध राम से क्या है, अर्थात वह स्वयं इस क्रिया को संपादित करता है, इसलिए राम करता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। मारने क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है, अर्थात मारने से रावण मर गया, इसलिए रावण कर्मकारक हुआ और मारना स्वयं क्रिया हो गया। ऐसे ही हमें सारे शब्दों को, सारे वाक्यों को बनाने के लिए, समझने के लिए, भाषांतर करने के लिए शब्द रूप की आवश्यकता होती है। मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले शब्द के अंत को पहचानना है कि उसके अंत में कौन सा वर्ण है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया था, एक स्वरांत जिसे अजंत भी कहते हैं और दूसरा हलंत जिसे व्यंजनांत कहते हैं। वर्ण चूंकि दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, स्वरांत शब्द के आधार पर ही जैसे अकारांत पुल्लिंग, वैसी अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि शब्द होते हैं। और व्यंजनांत में जिसके अंत में व्यंजन हो, जैसे मनस, इसके अंत में स, व्यंजन का यही पहचान है कि उस वर्ण में हलंत लगा हो, उसे व्यंजनांत कहेंगे। जैसे भगवत, भगवत चूंकि इसके अंत में, इन तीनों के अंत में स या त है, स या त व्यंजन शब्द है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यह व्यंजनांत कहे जाते हैं। राधा एक शब्द है, चूंकि इसके अंत में आ है इसलिए ये आकारांत। चूंकि ये स्त्रीवाची है इसलिए
स्त्री लिंग। वैसे ही फलम फल, इसके अंत में भी अ है इसलिए अकारण। चूंकि यह न स्त्री है न पुरुष है इसलिए नपुंसक लिंग। इस आधार पे हम जानते हैं कि वह किस लिंग का और उसका कौन सा वर्णांत है। एक शब्द का रूप एक वर्णांत के एक लिंग का एक ही रूप यदि हम जान ले तो उसके आधार पर फिर ढेर सारे रूपों को हम आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके लिए एक शब्द हम लोग राम लेते हैं। राम चूंकि ये अकारांत है अंत में अ है इसलिए अकारांत। पुरुषवाची है इसलिए पुरलिंग। ऐसा पहले लिखेंगे अकारा पुरलिंग राम। यह हम पहले विभक्ति लिखते हैं फिर इधर वचन लिखते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति को लिख लेते हैं पहले जैसे प्रथमा। प्रथमा में रूप बनता है रामः रामौ रामा। अब अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे सबके अंत में यही जुड़ते जाएगा। जैसे रावण शब्द को देखा हमने तो वो भी अकारांत पुल्लिंग है तो रावण रावणौ रावणा। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग है बालक बालकौ बालका। जनक शब्द पुल्लिंग अकारांत है जनक जनकौ जनका इत्यादि। जितने भी अब अकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे सब इसी तरह से प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे। द्वितीय विभक्ति रामम रामौ रामान। और सब भी बालकम बालकौ बालकान रावणम रावणौ रावणान इत्यादि। तृतीय रामेण रामाभ्याम रामै वैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकै रावणेन रावणाभ्याम रावणै जनकेन जनकाभ्याम जनकै। चतुर्थी विभक्ति रामाय
रामाभ्याम रामेभ्य जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्य बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य रावणाय रावणाभ्याम रावणेभ्य इत्यादि। पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्य बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य जनकात् जनकाभ्याम जनकेभ्य रावणात् रावणाभ्याम रावणेभ्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयो रामाणाम बालकस्य बालकयो बालकानाम जनकस्य जनकयो जनकानाम रावणस्य रावणयो रावणानाम इत्यादि। सप्तमी विभक्ति रामे रामयो रामेषु बालके बालकयोः बालकेषु जनके जनकयोः जनकेषु रावणे रावणयोः रावणेषु। और अंत में संबोधन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होता है, नपुंसक लिंग में नहीं होता। प्रथमा विभक्ति में ही प्रायः हे जोड़कर हम उसे बना सकते हैं, हे राम हे रामो हे रामा, हे बालक हे बालकौ हे बालका। इसमें प्रायः देखा जाता है संबोधन में प्रथमा के एक वचन में जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप कर देते हैं और बाकी ज्यों का त्यों कहते हैं। जैसे राम है तो हे राम नहीं कहते, हे राम, बाकी हे रामौ हे रामा ठीक है। वैसे हे बालक हे बालकौ हे बालका इत्यादि। इस तरह से हमने आज प्रातिपदिक शब्द अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप बनाना सीखा। एक रूप याद कर लेने से शेष जैसे अकारांत पुल्लिंग के और जितने भी शब्द हमें अपने आप बन जाते हैं। नपुंसक लिंग में भी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बदलता है, जैसे राम रामो रामा रामम रामो रामान है। फल शब्द का यदि हम लेंगे तो फलम फले फलानी शेष सब तृतीय से लेकर सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। फले फलाभ्याम फले फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात फलाभ्याम फलेभ्य रामस्य फलस्य फलियो फलानाम फले फलियो फलेषु पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि और शेष पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य पुष्पस्य पुष्पयो पुष्प पुष्पाणाम पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। पुस्तक शब्द वैसी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि हो गया। फिर उसके बाद में शेष पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य पुस्तकस्य पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु।
इस तरह हमने एक रूप से अनेक रूपों को एक साथ देख लिया। धन्यवाद। आगे फिर अगले कालखंड में फिर से आगे एक आकारांत स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे और उसके आधार पर बनने वाले ढेर सारे जितने भी शब्द होंगे उन पर भी इसी तरह से विचार करेंगे। ध्यान से आप इन्हें देखते रहिए। अब सारे क्लास इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ही होंगे। छात्रों घर में ही बैठे मोबाइल से वैसे खेलते रहते हैं, अन्य खेल ना खेलकर इसे निकालें और ध्यान से पढ़ें। इसके आधार पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं। मैंने राम शब्द का रूप अकारांत पुल्लिंग में बताया, आपको ऐसे ही जनक बालक रावण शब्द का रूप भी लिखना है। लिखें, देखें और यदि समस्या हो तो हमसे पूछें इसी माध्यम से। धन्यवाद।